और मेरे पास आपको देने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे बिछा दिया गया है प्यास के पहाड़ों पर, कि मेरी आंखों में टांग दिया गया है भूख का भूगोल, कि मेरी अतड़ियों को मरोड़ कर भींच दिया गया है मुट्ठियों के बीच, कि मेरी आत्मा पर पतन का प्रहार कर दिया गया है। वरन इसलिए कि ना तो मौत आती है और न मैं ये बात भूल पाता हूँ कि मैं एक योद्धा हूँ और पराजित हो गया। मैं एक पराजित योद्धा हूँ और पड़ गया हूं मौत तक बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बाढ़वाग्नि में। मैं सोचता हूं कि मैं बुरे फंसा, मौत सोचती है कि मैं बुरे फंसी, समंदर सोचता है कि मैं बुरे फंसा और अग्नि सोचती है कि मैं बुरे फंसा। मैं सोचता हूं कि मौत ने मारे मुझे मानेगी नहीं, और मौत सोचती है कि आदमी को मरेगा नहीं, और समंदर सोचता है कि झगड़े का तो कोई अंत नहीं है, और अग्नि सोचती है कि जब तक अंत नहीं होगा तब तक जलना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक पराजित योद्धा हूं और पड़ गया हूं मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बाढ़वाग्नि। इसके बाद भाग भाग विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर ले, फिर मैं मरूं आराम से उधर चढ़कर बसंत ऋतु में, जब दानों में दूध आ जाता है और आमों में गौड़, या फिर तब जब महुआ चूता है, या फिर तब जब बंदेला फूलती है, नदी किनारे मेरी चीता दहक कर महके और मित्र सब करें दिल्लगी कि यह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर मैं अहिर का बच्चा हूं दोस्तों, एक बूंद दूध में सातों समंदर उड़ेल दूंगा, और तब मैं पूछूंगा तुम्हारे राजहंसों से कि बताओ भैंस के खून में कितना दूध होता है कितना पानी, बताओ चरवाहों के खून में कितना दूध होता है कितना पानी, बताओ घसियारों के खून में कितना दूध होता है कितना पानी, और मौत जाओ कह दो मौत के सौदागरों से कि वही जब भी मेरे पास आए तो कुछ सोच कर आए, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है या तो मेरा हो जाता है नहीं तो वही मर जाता है। मैं अहीर हूँ, अब सयाना हो गया था, अब तक बच्चा था बड़ा हो गया, मैं अहीर हूँ और ये दुनिया मेरी भैंस है, मैं उसे दुख रहा हूँ और कुछ लोग कुदा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कुदा रहे हैं आपको पता है, क्यों कुदा रहे हैं ये भी पता है, लेकिन एक का पता, एक बात का पता ना उनको है ना हमको ना आपको कि इस कुदाने का परिणाम क्या होगा। हाँ इतना तो पता है कि नुकसान तो खैर हर हालत में हमारा ही होगा, क्योंकि भैंस हमारी है, दुनिया हमारी है। जब भी किसी गरीब आदमी का अपमान करती है तुम्हारी दुनिया, तो मेरा जी करता है कि इस दुनिया को उठाकर पटक दूंगा, उसको गूदा गूदा छीट जाए। मजाक बना रखा है आप लोगों ने आदमी की आदमी का, हम एक दिन तक अपन के लिए तुम्हारे थानों के थान फूंक देंगे, और जिस दिन बाहों से बाहों को जोड़कर घूमेगी जनता तो तुम नाक से खून ढकेल दोगे। मेरे दोस्त बड़ा भयानक बदला चुकाती है जनता, ये जनता तुम वसियों की तरह बेतहाशा नहीं पीटती, सुस्ता सुस्ता कर मारती है जनता, सोच सोच कर मारती है जनता, जनता समझ समझ कर मारती है पिछली बातों को, जनता मारती जाती है रोती जाती है, और जो मारती है तो किसी की सुनती नहीं, क्योंकि सुनने के लिए उसके पास अपने ही बड़े दुख होते हैं। हमारे हमारे खुरदरे पांव की ठोकर से धसक सकती है तुम्हारी जमीन, हमारे खराए हुए हाथों की रगड़ से लहूलुहान हो सकता है तुम्हारा कोमल आसमान, हम अपने खून चूते नाखूनों से चीर देंगे तुम्हारे मखमली गलीचों को, और जब एक दिन हम जमीन से आसमान तक खड़े खड़े फाड़ देंगे तुम्हारी मेहराबें, तो न उसमें से कोई कच्छप निकलेगा न कोई नरसिंह। तुम सिंहों से लेकर सूअरों तक सारे जानवरों के स्वभाव को अपना लो, मगर हाँ हम तो गुरिल्ले की औलाद हैं और गुरिल्ले ही रहे। उनकी तरह बवाल मचा है, उनकी तरह बवाल मचा है, और यहाँ नाक का बाल फंसा, इज्जत दांव पर लग गई है, नाक कटने का खतरा पैदा हो गया है, और आप कहते हो कि विद्रोही तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ यही किसी दिन सुजाक हो जाएगा, क्योंकि जनता बड़ी कजाक है और मुजबत है, और वो क्या कि कुछ लोग बंदर की औलाद होकर अपने को शेर बता रहे हैं और दूसरों को सुअर कह रहे हैं, गधा कहते हैं, उल्लू का पट्टा बोलते हैं, तो ये कोई मानने वाली और चलने वाली बात है? मगर तुम कहते हो कि ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही तो चलता आया है, ऐसे ही तो चलता रहेगा। मैं कहता हूं कि हो सकता है, लेकिन तब क्या तुम इस दुनिया के रहने की गारंटी 3 दिन की कर सकते हो? कोई भगवान हो तो मुझे क्या पता,
लेकिन इंसान की कुछ और बात है, और जो तुमको पता है वो हमको पता है, यहां पर कहां बेपता बात है। तो ये फूल हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है? तुमको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि क्यों हिल रहा है। अब मगर दोस्तों वो भी इंसान थे जिनकी छाती पे फूल जमाया गया, अब वही लापता है। तो तुमको पता है ना, हमको पता है ना, किसी को पता है कि क्यों लापता है? तो इस जमाने में जिनका जमाना है भाई, उन्हीं के जमाने में रहते हैं हम, उन्हीं की है सहते, उन्हीं की है कहते, उन्हीं खाते दिन रात बहते हैं हम। ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूं, ये उन्हीं का हुक्म है सबके लिए और मेरे लिए कि मैं हक छोड़ दूं। तो लोग हक छोड़ दें पर मैं क्यों छोड़ दूं? मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं। मैं बताऊं कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, पर यह ना कहो कि हक छोड़ दो। आपके कराम अपनी तरह अपनी दिक्कत को सबके जिया कर रहा, मुझको लगता है कि मैं गुनाहगार हूं क्योंकि रहता हूं मैं कैदियों की तरह। मुझको लगता है मेरा वतन जेल है, ये वतन छोड़कर अब कहां जाऊंगा? अब कहां जाऊंगा जब वतन जेल है, जब सभी कैद हैं, तब कहां जाऊंगा? मैं तो सब कैदियों से यही कह रहा, आओ उनके हुक्म की उदूली करें। पर सब पूछते हैं कि वो कौन है और कहां रहता है। मैं बताऊं कि वो एक जल्लाद है, वो वही है जो कहता है हक छोड़ दो। तुम यहां से वहां तक कहीं देख लो, गांव को देख लो और शहर देख लो, अपना घर देख लो, अपने को देख लो, किस हक की लड़ाई में तुम किस तरफ। आपसे कह रहा हूं अपनी तरफ कि मैं तो सताए हुओं की तरफ हूं, और जो भी सताए हुओं की तरफ है उसको समझता हूं कि अपनी तरफ है, पर उनकी तरफ इसके उल्टी तरफ है। उधर उस तरफ आप मत जाइए, जाइए पर अकेले में मत जाइए, ऐसे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आइए हमारी तरफ, आइए, आइए इस तरफ की सही राह है और सही जा। हम कौन है क्या ये भी नहीं जाता? हम कमेरों की भी क्या कोई जात है? हम कमाने के खाने का प्रचार ले, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए, उधर उस तरफ जालिमों की तरफ उनसे कहने की गर्दन झुकाओ, चलो अब गुनाहों को अपने कबूलो, चलो दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो, और अभी से चलो उस खुशी के लिए जिसके खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक। हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। लाल सर से मैं अनुरोध करूंगा कि फेस्टिवल टीम की तरफ से विद्रोही जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। वैसे प्यार तो हम लोगों का और ज्यादा है इससे।